गुड इवनिंग। रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा हमने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया था। इसके अलावा हमने कुछ एसिडिक गैसेस जब किस एसिड में कन्वर्ट होंगी वाटर के एडिशन पे, ये हमने चेक किया था। आज वापस बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ठीक है, तो अब हम इनको चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे जो हमने सीख लिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे चेक करना है, तो इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन से। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो पहला पॉइंट, अब जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको लिखाया था वो फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और अब हमारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होगी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज, पूरा लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कभी भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लेट्स से सोडियम है और किसी इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस पे, तो सोडियम Na, अब यहां ऑक्सीजन कुछ नहीं दिख रहा आपको, बस आपको चेक क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका जीरो था, यहां पे आपका वन था, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। फाइन, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। और मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ओ माइनस माइनस आयन है और ये मेरा कन्वर्ट हो रहा है ओ टू में। अब अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू और फ्री स्टेट में जीरो, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। आप इसी तरह से कैल्शियम का भी देख सकते हैं, कैल्शियम आपका कन्वर्ट हो रहा है सी ए प्लस टू में, तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा है वो जीरो से टू आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना और ये हमेशा ट्रू होगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, कि अगर आपका, और चेक करना भी बहुत आसान हो जाता है अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो। सेकंड पॉइंट, इसे हमने पहले भी देखा हुआ है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। अब जरा सी जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी हुई है मैं इसी को लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम के लिए लिखूं तो Na Na प्लस देगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, आप कह सकते हैं लॉस हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पे भी आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कीजिए, जीरो से वन आ गया, तो आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है तो फिर से आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे आसान बन जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, अगर कहीं कैल्शियम से आपको कैल्शियम प्लस टू मिल रहा है तो इसका मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए होंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, आप चाहे तो इसके टर्म्स में देख लीजिए या आप चाहें तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हैं। आपने कहा ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था जो टू में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हुआ टू का, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। फाइन, चलिए थर्ड आपका हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ, ये इसलिए बेटा आपको बता रहा हूं कि कई बार जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन पॉजिटिव, आप उससे भी कर सकते हैं, बट सीधे सीधे अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, मैं आपसे कहूं CA और इसके साथ मैंने हाफ O2 का रिएक्शन करा दिया और इसने मुझे दे दिया CaO, तो अब ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन हो गया, बट Ca plus half O2 gives you CaO, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मेथड आ गया, या आप
स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन थी क्लास नाइन्थ में जब आपने पढ़ी थी या टेंथ में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आप कह सकते थे। समझ में आ रहा है? अब आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखिए, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था और यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। एक और देख लेते हैं, ये है आपका रिमूवल, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। हाँ, चार तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जैसे आप देखें CH3OH, यहां पे देखिएगा ये आपका कन्वर्ट हो गया HCHO में और साथ में H2, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है H, ये रिलीज हो रहा है, ठीक। अब कई बार ऐसे समझ में नहीं आता, आप यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो जब आप देखेंगे यहां पे CHHHOH ऐसे बना होगा। अब आपको पता है, मैंने आपको ये मेथड लास्ट क्लास में बताया था कि H क्या करेगा, H पे तो आएगा प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कार्बन पे इसकी वजह से आ जाएगा -3, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला जो बॉन्ड है उस पे ऑक्सीजन -1 ले लेगा और इस पे आ जाएगा +1, ठीक है। तो नेट अगर आप कार्बन पे देखेंगे CH3OH में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाएगी, ठीक, क्योंकि सिंगल एटम है कार्बन, तो यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या ऑक्सीडेशन नंबर कहिए, बात एक ही, बिल्कुल। और इस पे अब नेक्स्ट पे देखिए HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बनाए, फॉर्मेल्डिहाइड में देखिएगा कार्बन पे, अब अगर आप देखें तो यहां पे बेटा आपके पास +1 आया, यहां पे आपके पास +1 आया, कार्बन पे -2 आया, ये तो हाइड्रोजन की वजह से था, डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2 और कार्बन पे +2, इसका मतलब कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वहां पे 0 आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, -2 से 0 जा रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और आपको पता है जब भी इंक्रीज होगा, ओके, अब ऑर्गेनिक हमने पढ़ ली थी, तो हमने आपसे कहा था अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और बन रहा है, यस। तो हाइड्रोजन का आप रिमूवल कह सकते हैं या ऑक्सीजन का आप एडिशन कह सकते हैं, ये बहुत पुरानी वाली थ्योरी थी, बट धीरे धीरे वो ऑक्सीडेशन नंबर पे आके बहुत इजी बन जाती है, यस। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्विकली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सके। बिल्कुल सिमिलर वे में अब रिडक्शन को देखेंगे, तो रिडक्शन के लिए अगर हम डिफाइन करना चाहें रिडक्शन को, तो हम कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। हाँ, सिंपल सा है भाई, ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। अच्छा, अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आपको पता चलेगा, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास F2 है और F2 से मुझे 2F- मिल रहा है, F2 से मुझे 2F- मिल रहा है, ठीक। तो F2 पे आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 गया तो रिड्यूस हो गया। हाँ, आप क्लोरीन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, Cl2 अगर 2Cl- में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड आप कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिएगा जरा सी, यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, ओके, साथ में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए और इसने मुझे O- दे दिया, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे पास फ्री स्टेट में थी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, आप चाहें तो O2 से भी इक्वेशन बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा 0 था,
ओ में, और आप आगे बढ़े तो ओ माइनस माइनस में आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू था। आप देख रहे हैं यहां पे आपके पास रिड्यूस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और आपने कहा रिड्यूस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब रिडक्शन, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी ये रिडक्शन है। फाइन, चलिए, तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में हमने कहा था एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां पे हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज ये रिडक्शन अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। फाइन, तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास MgO है और ये कन्वर्ट हो रहा है Mg में। आप कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते थे, कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि मैंने ऊपर आपको दिखा दिया था तो मैंने कहा चलिए चेंज कर लेते हैं, तो मैंने MgO ले लिया। ठीक है, MgO अगर मैंने लिया तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ गया प्लस टू Mg का, और ये फ्री स्टेट में यहाँ पे आ गया जीरो, प्लस टू से जीरो जा रहा है, ये रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत इजी हो जाता है। ठीक, आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ जरूरत नहीं। आप सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के 10 रूल याद रखिए और ये आपको कैलकुलेट करना आएगा तो आप खुद फील करेंगे कि ये बेटर है। ओके, लास्ट देखते हैं, एक और मेथड है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी रिडक्शन है। ठीक है, तो अभी अभी वो एल्कोहल वाला देखा था, उस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। अगर HCHO एल्डिहाइड पे हमने H2 ऐड किया तो इसने हमें दे दिया CH3OH। फाइन, एल्डिहाइड पे हमने H2, तो एल्डिहाइड, अब इसको अगर आप 10th वाले मेथड से देखेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन हो गया, और मैंने आपको बताया था जब आप इथेन से एसिड की ओर चलते हैं, इथेन से एसिड की ओर चलते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और रिवर्स चलते हैं तो रिडक्शन हो रहा होता है क्योंकि वो अपोजिट है उसका। तो यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखें तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता है एल्डिहाइड में कार्बन की जो है वो जीरो आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, माइनस टू, तो जीरो से माइनस टू यानी ये डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गई इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से आप बड़ी इजिली चेक कर सकते हैं कि आपके पास, और सारे के सारे मैंने आपको रूल्स दिखाए जितने आपने क्लास 10th में मेथड्स पढ़े होते थे, सब के सब ऑक्सीडेशन नंबर से क्लियर हो जाते हैं। तो सब में ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड आपका फुलफिल हो रहा है, तो बेटर है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर से याद रखें, क्यों चार चार रूल याद रखें। तो आज के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे, अगर वो इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर वो डिक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या ऐड हो रहा क्या नहीं उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो रिड्यूस होगा, जो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। लिख लीजिए विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स। ठीक है, हाँ, और ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझो पहले बेटा, जो रिड्यूस करे। अब रिड्यूस कैसे करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं विच रिड्यूसेस अदर्स। ठीक है,
एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग। पक्का? ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास अमोनिया है और अमोनिया के साथ मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई और यहां से मुझे मिला NO प्लस H2O। देखिए अभी आपको कोई बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको चेक करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आपने कहा ऑक्सीडेशन नंबर NH3 में आप N के लिए देखिए तो H आपको पता है, H आपका प्लस वन और N आपका माइनस थ्री आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन जो है O2 फ्री स्टेट पे है, जीरो हो गया आपके पास। NO जो है, हाँ OO अगर बनाएंगे भी ना, जैसे ऐसे OO डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आइडेंटिकल है, कोई एक दूसरे को पुल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बिल्कुल। तो यहां पे जो चार्ज होगा वो दोनों पे जीरो रहेगा। ओके, NO की बात करें, NO O पे माइनस टू, N पे प्लस टू, फाइन। ओके, और ऑक्सीजन पे यहां पे माइनस टू। अब बहुत ध्यान से जरा चेक कीजिएगा नाइट्रोजन के साथ क्या हो रहा है। अमोनिया से यहां से ये N रहा ना इस पे, तो अमोनिया का N NO के N तक जाने तक माइनस थ्री से प्लस टू में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये बताइए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ, तो अगर ये इंक्रीज हुआ, मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इसका मतलब इसका तो भाई ऑक्सीडेशन हो गया, फाइन। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें? NO में। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो आपका हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो आपका हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ध्यान रखना। अब जरा सेकंड को देखिए, हाँ O2। अब देखिए H में तो चेंज आ नहीं रहा, अगर आप H को भी देखेंगे ना, कोई आप में से ये कह सकता है सर अगर हम H को देखें तो H में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया, तो आप किसको देखेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में चेंज आया ये जीरो से माइनस टू हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से माइनस टू हो गया। जीरो से माइनस टू हो गया इसका मतलब आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज किया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाने पे डिक्रीज किया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। तो लैंग्वेज भी समझिए बेटा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है H2O में, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है? हाँ, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल वाला ले लूं। ओके, मैंने यहां पे लिया KMnO4 प्लस H2Cr2O4 प्लस H2SO4। यहां पे अगर आप वेरिएबल देखेंगे जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो वो Mn होगा, CR होगा और सल्फर हो सकता है। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि कौन कौन हैं। तो Mn हो सकता है, CR हो सकता है या सल्फर हो सकता है। ओके, अब रिएक्शन में आगे आपको ऐसे दिया हुआ है, इन्होंने बनाया K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, फाइन। आपको सिर्फ अभी क्या चेक करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब आपको पता है भाई ऑक्सीजन जनरली माइनस टू है, यहां पे K जो है वो प्लस वन है। Mn का बता दो, Mn का ओके प्लस सेवन आया, Mn का आपने का प्लस सेवन आया, चलिए बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक मिनट, मैंने यहां पर H2C2 है बेटा, H2C2 है H2C2O4, ठीक है, ओके। अब यहां पे ऑक्सीजन का माइनस टू,
ऑक्सीजन का माइनस टू, ठीक है, और H2 का प्लस वन। जरा कार्बन का बता दो मुझे, कार्बन का माइनस एट प्लस टू, ओके प्लस थ्री आया, ऐसा कहा आपने, कार्बन का प्लस थ्री रिएक्टेंट साइड पे, ओके H2SO4। यहां पे सल्फर का कितना, प्लस सिक्स, बाकी लिखो माइनस टू प्लस वन एच, और H का प्लस वन, O का माइनस टू, ओके। अब जरा देखिए आगे बढ़िए, सल्फर को चेक कीजिए, सल्फर को, सल्फर कहाँ है, ये सल्फर रहा, ठीक है, बिल्कुल सल्फर का कितना आया, प्लस सिक्स आ गया, आपने कहा सल्फर का प्लस सिक्स आ गया, बिल्कुल ठीक है। MnSO4, MnSO4 यहां पर किसको चेक करना है, Mn भी है और सल्फर भी, अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो SO4 का तो पता है ना यार, SO4 माइनस माइनस, ये तो पता है, तो Mn का प्लस टू हो गया बेटा, ओके मैं इसको ब्लू कलर से लिख दूं, जो रिएक्टेंट साइड पे लिख रहा हूं मैं, Mn का प्लस टू हो गया, ठीक है। हाँ सल्फर का भी आप देखेंगे तो प्लस सिक्स ही आएगा। चलिए CO2, CO2 में कार्बन का, CO2 में कार्बन का, ओके आपने कहा सर प्लस फोर आ गया, बिल्कुल ठीक है, प्लस फोर आ गया, ओके। अब आपको उन्हीं को चेक करना है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, तो किसका वेरी किया जरा चेक करें, Mn जो है वो प्लस सेवन से, Mn जो है वो प्लस टू पे गया, ये रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए आपने कहा, अब यहां चाहें तो आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, के एम एन ओ फोर यहां से प्लस सेवन से कन्वर्ट हो रहा है एम एन एस ओ फोर में, यहां पे आपके पास प्लस टू आया है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो आपने सिंपली कहा ये क्या हो गया, इसका इसका रिडक्शन हो गया, और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने लिखा था H2C2O4, H2C2O4 यहां पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन प्लस थ्री स्टेट पे था, ओके, और यहां से ये कन्वर्ट हुआ किस पे, CO2 पे, ये कन्वर्ट हुआ CO2 पे, और CO2 पे ये था प्लस फोर स्टेट पे, कुछ बात समझ में आ रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर H2C2O4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रहेगा, बिल्कुल इसे नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। तो अब बेटा फिर वापस आ रहे हैं रिडॉक्स, जो हमने यहां से चैप्टर की शुरुआत की थी, रिडॉक्स रिएक्शन, फाइन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, तो आप सिंपली लिख सकते हैं अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, ओके। अब जरा अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा, अभी अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी शायद, NH3 plus O2 that gives you NO plus H2O, ये हमने इक्वेशन देखी थी। अब जरा इस पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, पहले यहां पे आपका माइनस थ्री आएगा, इधर आपका प्लस टू आएगा, ऑक्सीजन पे जीरो, और यहां पे आपके पास माइनस,
थोड़ी देर पहले ही हमने इसको चेक किया था, तो आप देखेंगे यहां पे आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, अमोनिया का एनओ में ऑक्सीडेशन हो गया, और ये जीरो से माइनस टू आया, इसका मतलब रिडक्शन भी हो गया। तो एक ही इक्वेशन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी रिडॉक्स, राइट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा Fe2O3, इसके साथ आपने एल्युमिनियम की रिएक्शन करा और इसने आपको दिया Al2O3 और साथ में इसने आपको दिया Fe, आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत अभी नहीं है, ठीक। हाँ, बैलेंसिंग सिखाएंगे, बैलेंसिंग के बाद में जो है हमें सीखना है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, ठीक। तो ओहो, ये Fe2O3 है, Fe2O3, क्लियर। अब बेटा आपने Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखा तो यहाँ पे +3 आ रहा होगा और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। एल्युमिनियम का देखेंगे, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आपके पास +3 आ जाएगा। तो अगर आप एल्युमिनियम को देख रहे हैं तो एल्युमिनियम में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होके Al2O3 बना। और साथ में आपने देखा Fe2O3 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में, आयरन में, ओके। तो ये आपका रिडक्शन हो गया, क्यों रिडक्शन हो गया, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो बस आपको ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। आप ये भी बता सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बता सकते हैं। तो जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर एल्युमिनियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो रिडॉक्स में ही आपकी अलग अलग तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। हाँ, इसके अलावा और भी पढ़ा था कुछ, ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है जो रिडॉक्स ही ना हो, ठीक है, बिल्कुल। तो जरा इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली अगर फर्स्ट या टाइप ऑफ रिएक्शंस लिख लीजिए, टाइप ऑफ रिएक्शंस, देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको आ गया, बाकी आपने क्लास 10th में पढ़ा, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। जैसे मैं आपसे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कहूं तो एक तो चीज है कि रिडॉक्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मुझे चाहिए रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात समझ में आई, रिडॉक्स रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन भी हो, बिल्कुल। तो इस रिएक्शन को सिंपली अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि कार्बन सॉलिड स्टेट में मेरे पास है, ऑक्सीजन मेरे पास गैसियस स्टेट में है, ये दोनों कंबाइन किए और इन्होंने मुझे CO2 दे दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये A+B गिव्स यू AB टाइप की रिएक्शन है ना, तो कंबाइन कर गए दोनों, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन चेक करने के लिए अभी मैंने आपको मेथड बताया है ना, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, कार्बन की 0, ऑक्सीजन की 0, और यहां पे आपने कहा ऑक्सीजन -2 और कार्बन +4, कोई डाउट तो नहीं, चेक कर लो, ओके। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये मेरे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया बेटा, समझ में आया। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, तो ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। आप चाहें तो लिख सकते हैं कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना
कार्बन डाइऑक्साइड मत कह देना, रिएक्टेंट साइड पे ही होंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इनको ही आप कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। चलिए सेकंड हम बात कर सकते हैं रिडॉक्स डीकंपोजिशन, रिडॉक्स डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन में आपको पता है कॉम्बिनेशन का अपोजिट हो जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है ए बी, ये आपको ए प्लस बी दे दे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आप हीटअप भी करते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रिएक्शन है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सबसे सिंपल ले रहा हूं, H2O आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और आप इसको हीटअप करें तो ये आपको H2 प्लस O2 दे देता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन आपके पास -2 और हाइड्रोजन आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, लेकिन जब ये सेपरेट हुए, बैलेंसिंग अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, H2 और O2 ये तो फ्री स्टेट पे आ गए, तो ये 0-0 हो गए, ठीक है। चलिए अब चेक करें H2O से H2 क्या हुआ, +1 से 0, यानी यहां पे आपके पास रिडक्शन हो गया, क्लियर है, और ऑक्सीजन -2 से 0 यानी इंक्रीज कर गया, यानी ये आपका ऑक्सीडेशन। तो एक ही साथ आपके पास साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, और साथ में आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, H2O डिकम्पोज हो रहा है H2 और O2 में, तो ये आपकी रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, राइट। एक और देख सकते हैं, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस में फंसाया जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास है CaCO3 और इसको मैंने हीट अप कर दिया, इसने मुझे दिया CaO प्लस CO2, बहुत ध्यान से, क्लियर। अब आपको पता है कि कैल्शियम आपके पास +2 स्टेट में होगा, ऑक्सीजन आपके पास -2 में होगा, कार्बन की बता दीजिए, कार्बन की आ गई +4, -6 +2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आप करेंगे तो कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ये कर लिया। चलिए अब जरा प्रोडक्ट साइड पे जाइए, प्रोडक्ट पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 पे, यहां पे भी ऑक्सीजन -2 पे, कार्बन +4 पे और कैल्शियम +2 पे, कुछ बात समझ में आई। तो यहां पर बेटा आपके पास डीकंपोजिशन हुआ है, कोई डाउट इसमें नहीं है, डिकम्पोज तो हो गया ये, लेकिन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आया ही नहीं। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसे रिडॉक्स डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सिंपल डिकम्पोजिशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई रिडॉक्स है कि नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए तो इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ी होगी। तो अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, XY+Z दैट गिव्स यू XZ+Y, ओके, तो क्या हुआ, Z ने Y को डिस्प्लेस कर दिया और साथ में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर सकते, क्लियर है। अब देखिए एक और ये नया है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप चाहें तो यहां पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और इस रिएक्शन के बारे में शायद आपने पहले ना पढ़ा हो, तो ये है आपकी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, हेडिंग डाल लीजिएगा डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है भाई, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड, कोई आपके पास कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही कंपाउंड का। तो जरा एग्जांपल लेके देखते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, रिएक्शन इन विच
वन कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे आसान वाला मैं ले रहा हूं H2O2। H2O2 से आपको मैंने रिएक्शन दी, इसने बनाया बेटा H2O बनाया और साथ में हाफ O2 इसमें से सेपरेट हो गया। क्लियर। चलिए अब इस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। तो H2O2, अब आपको याद होगा यहां O को -2 मत लिख देना, जल्दीबाजी में ये गलती होती है। तो H तो यहां पे आपका +1 है, O जो है वो आपका -1 है, क्योंकि ये परऑक्साइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाम ही है इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है वो OO सिंगल बॉन्ड हो इस तरह से बनता है। क्लियर है, तो ये आपका परऑक्साइड बॉन्ड है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बताया था शायद। ठीक है, चलिए तो H2O2 यहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिखा। अब आप आगे बढ़े तो H2O में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, यहां पे आपने लिख दिया -2 ऑक्सीजन की, H तो आपके पास +1 है ही, और इधर आपने देखा ऑक्सीजन जो है वो 0। अब बहुत ध्यान से समझो, आपके पास ऑक्सीजन जो था वो -1 था, -1 से ये गया 0 पे, -1 से 0 पे, यानी क्या हुआ -1 से 0 नंबर इंक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। और जैसे ही आपने कहा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। फाइन, चलिए अभी बात खत्म नहीं हुई। अब जरा देखिए ऑक्सीजन जो है वो यहां भी तो गया, -1 से -2 ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज किया इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो रिडक्शन हो गया। तो H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हुआ और H2O2 का रिडक्शन भी हुआ एक साथ। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, जिसका नंबर चेंज हुआ उसी के बारे में बात करेंगे ना, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस एज वेल एज रिड्यूसेस। तो ये आपकी क्या हो गई, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। कुछ समझ में आया। अब इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको कहीं पे ये समझ में आ गया कि ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये रिडॉक्स होगी। क्यों भाई, आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है यानी रिडक्शन भी हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गए, रिडॉक्स हो गई। एक ही इक्वेशन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने का मतलब रिडॉक्स। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एवरी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज रिडॉक्स। बट हां, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है बेटा, एवरी रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट डिसप्रोपोर्शनेट। कुछ बात समझ में आई। ठीक है, तो हर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन रिडॉक्स है, लेकिन हर रिडॉक्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेट नहीं है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप लिख लीजिए कि मैं आपको बता दूं, फास्फोरस हो गए, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये तीनों जो हैं
ये एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख लीजिए अंडरगो डिस्प्रोपोर्शन इन द एल्कलाइन मीडियम। हाँ, मैं शो करके आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूं, और ये कई बार पूछे जाते हैं इस तरह की रिएक्शंस, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको वैसे ही याद रहती। आपके पास फास्फोरस जो है वो P4 है, ओके, आपने इस पे OH माइनस, मैं पूरी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन लिख दे रहा हूं, 3H2O, और इसने आपको दिया PH3 और साथ में 3H2PO2, ओके, 3 + 6, 3 + 6, H2 6 over 6 over 9, ओके, फाइन। नहीं, पी बैलेंस नहीं है क्या? चलिए, वैसे बैलेंस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, चेक कर लीजिएगा बैलेंस है कि नहीं है। ओके, अब यहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर को देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ऑब्वियसली ओ और एच पे तो फर्क पड़ना नहीं, पी को देख लेते हैं। तो पी पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा रिएक्टेंट साइड पे जीरो है। चलिए पीएच थ्री में देखिए, पीएच थ्री में एच आपका प्लस, ओके, प्लस वन, तो पी आपका माइनस थ्री, पी का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री हो गया। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइए एच टू पी ओ टू में क्या होगा? H2PO2, ओके, एक मिनट, यहां पे ये गड़बड़ है, एक मिनट रुक जाना। H2PO2 माइनस होगा, H2PO2 माइनस होगा, H3PO2 है ना वो, H2PO2 माइनस है, 3OH माइनस साइन भी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपने कहा प्लस वन आ रहा है, चेक कर लो, ओ टू पे फोर, फोर प्लस टू माइनस वन, प्लस वन आएगा, प्लस वन आएगा। ठीक है, तो अब आप अगर देखें तो यहां से जीरो से आपका प्लस वन यानी इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखें, यहां पे दूसरा भी आपके पास जीरो से माइनस थ्री, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। तो बेटा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, वेरी गुड। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गई। चलिए सेकेंड देखते हैं सल्फर का, ठीक है, S8, इसको आप 12OH माइनस एक्वस वाटर है, ये आपको देगा 4S माइनस, साथ में 2S2O3 माइनस माइनस, ठीक है, और साथ में वाटर दैट इज 6H2O, 6 6 12 वाटर ओ ऑक्सीजन हो गए, 6 2 12 हाइड्रोजन हो गए, और S8 हो गए। ओके, फाइन, बैलेंस्ड है। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेक करेंगे? सल्फर का चेक करेंगे, क्योंकि हम सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे जीरो, रिएक्टेंट साइड पे जीरो है, इधर माइनस टू, एस माइनस टू है, चार्ज ही दिखा रखा है उस पर, ओके, आयन में तो आसानी है, ओके, और S2O3 माइनस माइनस, तो यहां पे आप चेक करेंगे 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ये आना चाहिए, ओके, और ये आपका प्लस 2 आ रहा है, चेक करो, प्लस 2 आ रहा होगा। तो एक अगर आप देखें तो 0 से आपका माइनस 2, 0 से माइनस 2 यानी रिडक्शन हो गया, और जीरो से प्लस टू यानी ऑक्सीडेशन हो गया।
तो सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सल्फर का रिडक्शन भी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई। ठीक है, अच्छा एक और चेक कर, क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस टू ओ एच माइनस एक्वस, ये जब आप लेंगे तो ये आपको देगा सी एल ओ माइनस प्लस सी एल माइनस प्लस एच टू ओ। ओके, सी एल माइनस आपका एक्वस पे होगा, ये लिक्विड है। चलिए सीएल टू, सीएल टू में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, CLO माइनस यहां पे प्लस वन आ जाएगा, चेक करो, X प्लस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू प्लस वन आ गई, वेरी गुड। चलिए इसकी जरूरत है नहीं अभी हमें, तो इसको हम रब कर देते हैं, CL माइनस में माइनस वन आ गए। अब आप देख रहे हैं कि क्लोरीन आपका जीरो से प्लस वन में भी जा रहा है और जीरो से माइनस वन में भी जा रहा है, तो जीरो से माइनस वन, जीरो से माइनस वन जाने का मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और साथ ही इसका जीरो से प्लस वन जाने पे ऑक्सीडेशन भी हो गया, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है। फाइन, ये जो CLO माइनस है इसको आप चाहें तो लिख लीजिए, ये आपका कहलाता है हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन CLO माइनस, तो क्लोरीन ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन, और क्लोरीन क्लोराइड आयन में जा रहा है वो रिडक्शन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए, कई बार कुछ क्वेश्चंस में मुश्किल हो जाती है। देखिए फ्लोरीन जो है ना, अगर आप फ्लोरीन की बात करेंगे, बिल्कुल क्लोरीन की तरह आप रिएक्शन बना सकते हैं कई बार, बट फ्लोरीन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे कोई ऑक्सीजन, इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, ये सबसे छीन लेगा भाई। हाँ, तो इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं आएगा ना, यस, तो ये कभी भी माइनस वन से जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो आप क्या कह सकते हैं, फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेट टेंडेंसी, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चन मिल सकते हैं फ्लोरीन पे, तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन कभी भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन ना पाएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं, weight of substance which combines or replaces 1.008 gram of H, hydrogen का 1.008 gram के साथ, हाँ या तो combine करे या replace करे उसे, और 8 gram of oxygen और 35.5 gram of Cl, ये definition है, आप चाहें तो मैं लिख रहा हूं, weight of substance which combines or replaces 1.008 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of Cl, ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आएगा बेटा, दैट इज एन फैक्टर,
अब बोले सर ये एन फैक्टर क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के डिफरेंट वेज है, अलग अलग, जैसे सॉल्ट के लिए निकालेंगे, एसिड के लिए निकालेंगे, तो कैसे इसे कैलकुलेट करना है ये अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमने एक पढ़ा था आर्हेनियस एसिड, अगर आपको याद है, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं NF ऑफ एसिड, N फैक्टर ऑफ एसिड नंबर वन, ये है, ध्यान दीजिए, NF ऑफ एसिड, ठीक है, N फैक्टर ऑफ एसिड, तो किसी भी, और अभी हम बात कर रहे हैं आर्हेनियस, आर्हेनियस एसिड, तो आर्हेनियस एसिड याद है, विच गिव्स H प्लस इन वॉटर, ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा यहां पर कुछ नहीं, आपने एक टर्म पढ़ा था बेसिसिटी, याद है, हाँ, कितने H प्लस दे रहा है, तो बस वो जो बेसिसिटी है वही आपका N फैक्टर, बेसिसिटी ऑफ एसिड, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देखा हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। HCl की अगर आप बात करेंगे और मैं आपसे पूछूं कि HCl का N फैक्टर क्या होगा, तो HCl का N फैक्टर 1 होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक H है देने के लिए, ओके। अब मैं आपको कह रहा हूं CH3COOH, CH3COOH ये भी आपकी बेसिसिटी इसकी 1 है, तो इसका N फैक्टर भी 1 है, फाइन, अब जरा से समझिएगा। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब आप H2SO4 की बात करते हो तो आपको पता है यहां पे आपके पास 2H, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि इसका N फैक्टर कितना है। इसका N फैक्टर 2 जो है वो मैक्सिमम है, हो सकता है ये दोनों H प्लस रिप्लेस कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये एक H प्लस कर रहा हो, HSO4 ये हमने देखा था ना, ठीक है, तो इसका जो N फैक्टर होगा ये 1 होगा या 2 होगा, ध्यान रखना इस चीज, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि H3PO4 में जो आपकी बेसिसिटी होती है वो 3 होती है, H3PO4 में बेसिसिटी 3 होती है, तो ये 3 तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब ये रिएक्शन देख के आपको समझ में आएगा कि इसका N फैक्टर 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अगर एक H प्लस रिलीज हुआ तो 1, दो H प्लस रिलीज हुए तो 2, और तीनों के तीनों तो 3, फाइन, चलिए। अच्छा एक इसका बताइए, H3PO3, हाँ जी, यहां H तो आपको 3 दिखते हैं लेकिन आपके पास बेसिसिटी जो थी इसकी वो 2, ठीक, तो यहां पे 2 इसकी मैक्सिमम बेसिसिटी है, ये आपका हो गया 1 और 2। एक्चुअल में जी ये चलिए एक और देख लेते हैं, फिर इसको बता देता हूं मैं, H3PO2 देख लीजिए, H3PO2, ओके, H3PO2, अब बताइए जरा इसकी बेसिसिटी, याद है मैंने कराया था ये सब आपको, इसकी बेसिसिटी 1 है, और 1 है तो फिर यहां पे मैक्सिमम या मिनिमम लिखने की जरूरत है नहीं, आपको 1 ही होगी। अब इसमें सबसे ज्यादा आपको फास्फोरस वाले में कंफ्यूजन होता है, ठीक, तो जब भी आपको इसकी बेसिसिटी निकालनी हो तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक ओ को गायब कर दीजिए, ठीक है, यानी इसमें से अगर आप एक ओ को गायब करेंगे तो आपके पास 3O और 3H बच जाएंगे, हाँ P तो बचे ही है, P तो सेंटर पे रहेगा ना, P तो सेंट्रल एटम है, तो एक ओ को हटा दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है, P डबल बॉन्ड O होता है, तो ये इसके साथ कोई H अटैच नहीं है, तो एक ओ को हटा दीजिए, ट्रिक है, ठीक है, हाँ कभी आपको याद ना रहे कि कौन बेसिसिटी कितनी है, तो एक ओ को हटा दीजिए। अब जैसे ही आपने एक ओ हटाया तो आपके पास कितने बचे, 3OH बचे, अब आप OH बना दीजिए, OH, OH और OH, तो 3OH आपके लग जाएंगे, और ये तीनों OH में से एक एक H रिलीज हो सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी, बात समझ में आ गई। अच्छा इसी तरह से अब आपसे कहा H3PO3,
तो H3PO3 में आप क्या करेंगे, एक O हटा दीजिए, एक O हटा दीजिए, तो P डबल बॉन्ड O ये हो गया। अब आपके पास 2O बचे और 3H बचे, ठीक है। अब OH बनाइए, कितने OH बन सकते हैं, 2OH बन सकते हैं, ये आपने 2OH बना दिए, फाइन। अभी एक H बचा है, उस H को यहां लगा दीजिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो बेसिसिटी तो यही रही ना, P के साथ जो H अटैच है वो नहीं लेगा, O के साथ जो H अटैच है वो हिल जाएगा, ठीक। तो इसकी बेसिसिटी 2 आ गई। अच्छा चलिए थर्ड भी देख लेते हैं, H3PO2 में से एक O हटा दीजिए, कितने बचे, 3H बचे और एक O बचा, तो OH कितने आए, अभी यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं आपको, P डबल बॉन्ड O, OH कितने बना सकते हैं, एक ही बना सकते हैं और बाकी दोनों H होंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर याद रखने का तरीका। स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है तो आप बता सकते हैं कि किसकी बेसिसिटी 1, किसकी बेसिसिटी 2 और किसकी बेसिसिटी 3 होगी, फाइन। ओके, चलिए H3PO4 के लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जो मैं आपसे वेरिएबल NF वाली बात कर रहा था। मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ और मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन में मेरे पास NaH2PO4 प्लस H2O, ये मेरी रिएक्शन, फाइन। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर H3PO4 H2PO4 माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसमें से एक H प्लस निकला, तो आपका NF कितना हो गया, 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं H3PO4 प्लस 2NaOH, ये रिएक्शन मैं आपको लिख रहा हूं, और यहां पे मैंने आपसे कहा कि मेरी रिएक्शन बनी Na2HPO4, Na2HPO4 प्लस साथ में मेरे पास 2H2। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई यहां से इसमें जब ये कन्वर्जन हुआ तो 2H प्लस निकल चुके हैं, तो बेसिसिटी कितनी होगी, यस 2, ठीक है। तो N फैक्टर मेरा इस केस में 2 आएगा, है तो H3PO4 ही, दोनों केसेस में H3PO4 है, मैक्सिमम बेसिसिटी कितनी है, 3 है भाई, 3, एक को तो हटा देना है, 3 है, ठीक है। हाँ भाई, इसमें होता क्या है, कई बार आपको जितने एच दिख रहे होते हैं उतनी बेसिसिटी है, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें नहीं है, तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फाइन। चलो अच्छा, एक और देख लेते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास H3PO4 है, मैक्सिमम वाले को तो चेक कर लें, 3NaOH ये मेरी रिएक्शन हुई और इसने मुझे दिया Na3PO4 साथ में 3H2O। इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो N फैक्टर मेरे पास आ जाएगा बेटा 3, N फैक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको स्ट्रेट क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो इन पे मिलते हैं, जो नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो HCL पे थोड़ी पूछेगा, वो आपको यहां से मिलेंगे, यस, कि इसका N फैक्टर कितना है, सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं, मतलब बाकी तो नॉर्मेलिटी पे आएगा, अभी आगे बात करेंगे उसकी। अच्छा एक चीज और देखें, एक और है, वो है आपका बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड पता है आपको क्या होता है, H3BO3, या इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं BOH होल थ्राइस। बट मजे की बात क्या है कि इसमें कोई H प्लस एस सच रिलीज नहीं होता, ठीक है, बट जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये एक OH माइनस वाटर से खींच लेता है, एक OH माइनस वाटर से खींच लेता है और तब ये H प्लस देता है। तो एक्चुअल में मैं रिएक्शन लिख के आपको बता देता हूं, बी ओ एच होल थ्राइस प्लस एच टू ओ दैट गिव्स यू बी ओ एच 4 माइनस प्लस एच प्लस, ठीक है। तो ये आपका एच प्लस आपको मिल गया, तो आप बताइए जरा मुझे बेसिसिटी कितनी हुई, बी ओ एच होल थ्राइस ने आपको क्या दिया, एक दिया, तो बेसिसिटी यहां पे 1 हो गया, समझ में आ रहा है, तो एन फैक्टर आपका 1 हो गया, बस इतनी सी चीज।
इंपैक्टर ऑफ अ बेस, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे बेसिसिटी ऑफ एसिड कहा था, यहां पे आपका हो जाएगा एसिडिटी ऑफ बेस। फाइन, तो या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओएच माइनस आयन। तो मान लीजिए मैं बेस अगर आपसे कहूं कि NaOH, तो N फैक्टर आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं कि सर यहां पे 1 है, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, यहां पे N फैक्टर आपका 2 आएगा। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही MgOH होल ट्वाइस को भी ले सकते हैं। MgOH होल ट्वाइस में आपके पास जो N फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं AlOH होल थ्राइस की बात करूं तो यहां पे आपका N फैक्टर 3 आ जाएगा। तो बहुत आसान सी चीज है। तो एसिड अगर है तो बेसिसिटी आपको पता है तो आप N फैक्टर निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास बेस है तो उसकी एसिडिटी अगर आपको पता है तो एसिडिटी ऑफ बेस इज N फैक्टर। फाइन। अच्छा, एक हमने और पढ़े थे एसिड बेस, और वो थे ब्रॉन्स्टेड। तो लिखेगा N फैक्टर ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, ठीक है। तो जब आप ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और आरहेनियस एसिड ये तो सेम रहता है, सेम। हाँ, उनकी डेफिनेशन में जरूर फर्क है, बट एक प्रोटॉन के टर्म्स में बात करता था, एक H प्लस के टर्म्स में बात करता, तो एसिड में डिफरेंस नहीं आता। तो आप चाहें तो आप लिख लीजिए N फैक्टर इज सेम फॉर ब्रॉन्स्टेड एंड आरहेनियस एसिड, ठीक है। लेकिन बेस में ब्रॉन्स्टेड बेस, अब जरा अगर आपको याद हो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता, इसको हम OH माइनस से नहीं देखते थे। इसकी डेफिनेशन क्या थी? ब्रॉन्स्टेड बेस था विच एक्सेप्ट H प्लस, याद आया? हाँ जी, प्रोटॉन के टर्म्स में आपको डिफाइन किया था। तो आपने कहा जो H प्लस या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो आपका ब्रॉन्स्टेड बेस, तो आपको OH माइनस हो सकता है ना दिख रहा हो, बिल्कुल। तो अब अगर आप इसके टर्म्स में बात करेंगे तो NF ऑफ बेस लिख लीजिए, नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से, हाँ, एक मॉलिक्यूल कितने एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा यही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा अमोनिया, अमोनिया। अब आपको याद होगा यहां पे आपके पास एक लोन पेयर होता था, ठीक है, और ये लोन पेयर क्या करेगा, एच प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल था तो ये उसको दे देगा, ठीक है। तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, NH4 प्लस बना देगा, तो N फैक्टर कितना हो गया बेटा, N फैक्टर हो गया 1। फाइन, ओके। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, H2O। ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं बेटा, तो ये आपका क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है, H4O प्लस प्लस नहीं बन पाता, याद है मैंने बताया था आपको। तो H2O एक H प्लस को एक्सेप्ट करके H3O प्लस बनाएगा और इसका N फैक्टर भी 1 आएगा, ये एक ही H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑल्दो इसके पास लोन पेयर 2 हैं, बट ये H प्लस एक ही एक्सेप्ट करता है बिकॉज O पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है, ओके। अब एक और देख लेते हैं, चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूं CH2 CH2 NH2 NH2, ओके। अब बेटा अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास लोन पेयर है, ठीक है,
अब जब वहां एच प्लस आएगा ना, तो एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, तो टू जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एच प्लस है जो ये एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आया? तो एन फैक्टर मैक्सिमम जो होगा वो टू होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा रिएक्शन पे कि वो वन है या टू है, वन है या टू है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम तो आप बता सकते हैं, बट बाकी रिएक्शन में आपको पता चलेगा कि कितने एच प्लस एक्सेप्ट हो रहे हैं, वहां से ही आप क्लियर कर पाएंगे कि एन फैक्टर की वैल्यू आपको क्या लेनी है, और जो रटने वाली है वो तो आपको बता ही देंगे। फाइन।